के धारी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को नैनीताल जिले के भीमताल के विकासखंड धारी में पंचायती राज विभाग के सौजन्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आशा रानी की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ, जिसमें वीडियो पंचायत दिनेश चंद्र जोशी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज एजुकेशन के मोहन चंद्र चौहान, समाज कल्याण अधिकारी रवि वर्मा तथा ग्राम विकास अधिकारी KC धनी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण शिविर सभी निर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, आशा कार्यकर्ताओं और मेडिकल स्टाफ के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें ग्राम सभा के विकास और लोगों तक सरकारी योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर जानकारी दी गई थी। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की UK 24x7 के लिए भीमताल से। उसके बाद ट्रैकिंग होती है, तब जाके बच्चे का प्लेसमेंट गवर्नमेंट के रिपोर्ट में चढ़ के आता। तो ऐसे ऐसी स्कीमें हैं। आज विकासखंड धारी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 में एक 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ANM आशा कार्यकर्ता और मेडिकल डिपार्टमेंट के जो भी हैं और वो यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये कार्यक्रम जो था, ये ट्रेनिंग का जो अभियान है, वो ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आशा रानी की अध्यक्षता में किया गया है। मैं 2 मिनट उनसे कुछ बात करना चाहूँगा कि इस को हम कैसे बढ़ाएं और कैसे आगे के प्रोग्राम्स होंगे। मैम, एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे है। आप एक महिला ब्लॉक प्रमुख हैं, तो आपको विकासखंड धारी में काम करने में कोई परेशानी होती है या किस ढंग से आप समन्वय करती हैं? पहले तो मैं वेद प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप अघरिया ग्राम सभा के हैं और अच्छा लगता है जब पत्रकार ऐसे पूछते हैं और हमारी जन समस्याओं को ऊपर लेवल तक रखते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा ब्लॉक धारी है और इसमें 41 ग्राम सभाएं हैं और 27 हमारे मेंबर्स हैं। इसमें होता क्या है, सरकार के द्वारा जो बजट है, जो मेरा मानना है, वो कम है, लेकिन फिर भी हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, क्योंकि हम 27 मेंबर को एक ही बार काम नहीं दे सकते हैं, तो हम इसको पार्ट्स वाइज काम करते हैं। तो इसलिए हमारे मेंबर भी इस बात को समझते हैं, तो वो मेरा भी सहयोग करते हैं कि उनको पता है कि हमारी मैडम के पास जो है बजट कम है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन हम हमेशा प्रयासरत रहे। यहाँ पर जो भी आपको बजट मिलता है, क्या वो पर्याप्त है और आगे विकासखंड धारी की कंप्लीट समस्याओं को इसके समाधान के लिए और विकासखंड के विकास के लिए आपको कम से कम मैक्सिमम कितना बजट चाहिए? जो बजट मिल रहा है आपको, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं? बजट तो बहुत कम है। मेरी इच्छा, जो मेरे मन समझता है, कम से कम 4 करोड़ रुपए तो होना चाहिए, तब जाके हम हमारी जो 41 ग्राम सभाएं कुछ न कुछ काम कर सकेंगे। कम से कम 4 करोड़ तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए 40-41 लाख रुपए से कुछ नहीं होता है। 41 हमारी ग्राम सभाएं हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कम से कम 4 करोड़ रुपए होना चाहिए, जिससे कि हम अपने ग्राम सभाओं में अच्छा काम कर सकें और हमारे जितने ग्राम प्रधान हैं, जितने हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो भी अपना एक अच्छा परफॉर्म लेके आगे बढ़े। विकास खंड में 41 ग्राम सभाएं हैं और जिसमें 41 प्रधान हुए और 27 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि नहीं, ये विकास की जो प्रोग्राम आया है या ये फंड हमारे आया है कि हम ही को मिलना चाहिए या कि और दूसरों को नहीं, इस तरह की कोई आपको समस्या आती है? जो पद पे बैठता है
प्रेशर तो सभी जगह से आता ही है कि उन लोगों के काम नहीं हो पाते हैं, तो वो अपने बात तो रख ही सकते हैं, वो अपने बात रखने का अधिकार तो सभी को है, सभी रखते हैं, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। अभी PMSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव सड़क से नहीं जुड़ेंगे, तब तक गांव के संपूर्ण विकास की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी लगभग मेरे नॉलेज में जो है कि 4 से 5 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो इस ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से नहीं जुड़ी हैं, क्या जिसमें है एक अघरिया भी है, हरिपुर गुनिया लेक है, पनियाली है, कुलौरी ग्राम सभा क्षेत्र से गैराखान है, और एक है हरिनगर अक्सोड़ा। तो इनके लिए कुछ भविष्य में कोई प्लानिंग आपके माध्यम से हो रही है क्या? एक बिरसिंगा का रोड भी है। हाँ, बिरसिंगा का भी है। इसमें अघरिया और बिरसिंगा का जो प्रस्ताव है हम कैबिनेट तक दे चुके हैं। अभी क्योंकि पैसे की थोड़ी दिक्कत थी तो वहाँ से शासन से कुछ स्वीकृति हमको नहीं मिली है। जो अन्य रोड हैं उसके लिए हमने ऊपर CM साहब से बात कर रखी है, जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी तो उसके बाद जो है हमारी समस्त जनता को लाभ मिलेगा। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।